हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये है हायर वॉशिंग मशीन। तो मैंने कुछ दिनों पहले मंगाया तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। ये है हायर ब्रांड का, जो कि आप देख सकते हैं, और 6.2 kg है। तो बस दो तीन लोगों के लिए ठीक है, या कम मेम्बर्स हैं तो ठीक है। मैंने ये छोटा सा ही मंगाया। और इसका मॉडल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मॉडल है HWM6277E। और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, और इसका प्राइस, जो इसका प्राइस लिखा गया था वो प्राइस है 18,999। और मैंने ये ऑफलाइन लिया है, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। वैसे मैंने इसको लॉकडाउन के दौरान लिया था तो थोड़ा सा महंगा में पड़ गया। और यहाँ पे इसको मैं ओपन करके दिखला देती हूँ आप लोगों को। तो अंदर का ये आप लोग देख सकते हैं, ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें अपने आप कपड़ा धुला के सूख जाता है। और अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है लिक्विड डिटर्जेंट डालने के लिए। और जब कपड़े को धुल लेते हैं, धुल जाता है, उसके बाद यहाँ से इसको दिया गया है कि इसको ओपन करके यहाँ से जो भी धूल मिट्टी, जो गंदगी होती है रेशे वाली, वो इसमें जम जाती है, तो उसको फिर साफ करना होता है बाद में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कितना डिटर्जेंट आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे लीटर वगैरह दिया गया है, कितना लीटर आपको पानी चाहिए, उसके बाद वॉश कैसा करना है आपको, नॉर्मल, सोक, डेलिकेट एंड क्विक का ऑप्शन दिया गया है, और चाइल्ड लॉक है। ये बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और आकर अगर एकाएक से इसको ओपन कर देते हैं या खोल देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है वो कि बंद हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सिल्वर ग्रे कलर की है, ग्रे कलर कह सकते हैं इसको। और यहाँ पानी आने का दिया गया है ये पाइप, जो कि यहाँ पे मैंने सेटिंग करवाया और ये बाहर जाता है पानी। और पीछे से प्लग दिया गया है इसका, जहाँ पे प्लग, जो कि अभी बिजली का मैंने सेटिंग इसका नहीं कराया हुआ है, तो ऐसे ही आप लोग देख ही सकते हैं जैसे तैसे काम चलाया है। तो पहले मैं इसके अंदर कपड़े डाल देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े धोने थे, कपड़े थे सब, यही 4-5 कपड़े हैं। उसके बाद इसमें तो मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाला ही नहीं, अभी मैं लिक्विड डिटर्जेंट डालूंगी। आप चाहे तो कोई भी डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ सर्फ एक्सल का है ये लिक्विड डिटर्जेंट, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे तो डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे कपड़े के अनुसार से डाल दूंगी, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे आधा चम्मच भी काफ़ी होगा, ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। और इस मशीन में वो पाउडर डिटर्जेंट डालने का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया हुआ है। उसके बाद इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पे जितना आपको पानी चाहिए कपड़े के अनुसार से तो पानी लेंगे। तो सबसे पहले पावर बटन को ऑन करने के बाद जितने आपको पानी चाहिए उस पे जाके आप प्रेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया 33 लीटर पानी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है, मीडियम, फिर भी अच्छे से वॉश करना है। तो जिस तरह से वॉश करना है आपको, जैसे नॉर्मल है, सोक है, डेलिकेट है, क्विक का ऑप्शन है, तो उस अनुसार से कपड़ा जैसा है उसके अनुसार से आप अपना चूज़ कीजिए। बेटी मेरी देखिए परेशान कर रही है, यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया है। तो जैसे इसका पानी कंप्लीट हो जाएगा जितना इसको चाहिए, उसके बाद ये कपड़े को वॉश करना शुरू करेगा। तब तक मैं थोड़ा वीडियो स्किप कर दूंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी आ रहा है, तो ऐसे दिखला रहा है जैसे कि चाइल्ड लॉक दिया गया है। तो इसको चेक करने के लिए, जैसे ही अगर एक ऑटोमेटिक आप इसको खोल देते हैं कुछ, तो ये मशीन बंद हो जाता है, उसके बाद ही आवाज़ आना शुरू करता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और ऐसे कोई शरारत करते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर इसको बंद करके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो ये शुरू हो गया पानी आना। तो अब वॉश होना शुरू हो गया है,
और ये लगभग 15 से 20 मिनट तक ऐसे वॉश होता है। उसके बाद ये पानी को सोख लेता है और फिर दो बार फिर पानी आता है, उसके बाद दो बार इसको फिर अच्छे से वॉश करता है ये मशीन, और उसके बाद ऑटोमेटिकली सूख जाता है। पूरी तरह से नहीं सूखता, लगभग 80-90% तो सूख ही जाता है। फिर हल्के हवा में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, तो पूरी तरह से सूख जाता है। अभी देखिए स्पिन हो रहा है, तो स्पिन होने के बाद ये फिर से पानी देगा और ऐसे दो बार होगा। और नॉर्मल में करते हैं तो कपड़े धोने में लगभग 1 घंटे के आसपास लग जाते हैं। उसी तरह से अगर क्विक पे करते हैं, क्विक ऑप्शन पे, तो ये आधे घंटे में कपड़े धुला देता है, धुला के सूख जाता है। लेकिन इसमें एक ही बार कपड़े को धोता है, वॉश करने के बाद एक बार करते हैं ना खंगालता है, वो एक ही बार। तो जैसे आपको जिस तरह से कपड़े गंदे हैं उसके अनुसार से आप जो जैसे चाहे वैसे धो सकते हैं। इस मशीन की सबसे अच्छी जो खासियत हुई ये है कि पानी का बचत करता है और बिजली का भी। और जो मुझे इसके नेगेटिव पॉइंट्स लगे वो ये कि इसमें टाइम का कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है कि कितने देर में कपड़े अभी धुलने बाकी है, कितने देर लगेंगे। तो टाइम रिमिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो पता नहीं शायद 6.2 kg में हायर कैसा ही होता है, बट जल्दी जल्दी में हमने ले लिया तो चलो ठीक ही है। वैसे कुछ जितने पैसे लगे हैं उसके अनुसार से अच्छा ही है। वैसे मुझे डिस्काउंट के साथ मिल गया था, तो ऑफलाइन में भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ कि कपड़े जो है धुल चुके हैं और कितने सूखे हैं वो आपको देखने से पता चल रहा होगा। लगभग 80-90% तो सूख ही जाते हैं, बस इसको हल्का सा धूप या हल्की हवा की ज़रूरत होती है। आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत ही इजीली ये कपड़े को वॉश करता है, बहुत ही अच्छा साफ़ भी होता है कपड़ा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप डालिए और वैसे ही कपड़ा निकालिए, तो बहुत ही अच्छे से कपड़े को साफ़ करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जब कपड़े धुल जाते हैं उसके बाद टब को ड्राई करना होता है, तो इस तरह से टब ड्राई ऑप्शन पे आके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।